हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। सो गाइस, हो गई है सुबह और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, दिखाती हूँ। इधर ये सो रहे हैं अभी, तो उनको सोने देते हैं। हो गया है कोल्ड ड्रिंक को, और मतलब कल रात को ही ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। जो ब्राइड मैं बना रही हूँ लीटी, इतना उस दिन का रह गया था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं फिर से। वैसे ख़राब थोड़ी होता है, सब तो थोड़ी ख़राब होता है यार, अगर आप लोग को लग रहा होता है दिन बाद फिर बना रही हैं। सो गाइस, ये आज वैसे मंगलवार है, अभी संडे को ही बना था। सो ये बनाने जा रही हूँ, ये बाबू के लिए है। इसमें सिर्फ नमक मिक्स है और इसमें सारा कुछ मिक्स है ना, तो ये नहीं खाते हैं। कहते हैं मिर्ची, धनिया का पत्ता तो पड़ा, कहेंगे मिर्ची नहीं खाते। और ये आटा है, एक्चुअली आज मैं इसलिए बनाने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी का उस दिन फास्ट था, तो मम्मी नहीं खा पाई थी, तो मम्मी भी खा लेंगी और चाय के साथ भी कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। सो गाइस, चलती हूँ, जब तक वो सो रहे हैं फटाफट बना लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ बाबू रेडी हो गया है। मैंने टीवी की आवाज़ कम कर दी तो कह रहे हैं तेज कर दो, करने जा रहे हैं। जुराब राब से पहन लिया, रेडी हो गए हैं। कोल्ड हो रखा है, मुँह कैसा हो गया। कुछ बोलना है? दिखाओ। इनके लिए आ गई ये दवाई। ये आपकी दवाई है। अभी सही हो जाएगा, पी लोगे ना? और इसमें भी है। ये कौन सी दवाई है? चलो पी लो दवाई। अम्मा सुनो, ये तो मुंह में डाल के पानी वाली दवाई है। आप इसे खा लेते हो? इसे नहीं खाते ना आप? ये मत खाना, आप चम्मच से। मैं किससे लूंगी बाबू? ये से तुम इस वाले पैसे से लोगी अपने लिपस्टिक। इस वाले ये कितने रुपए बाबू? ये कितने होगा? चलो मैं इस वाले पैसे से। और ये कितने रुपए हैं? 200 है। कोई बोला है यहाँ पे? भोले वाले साइड में बैठ। ये अभी ना एक नोट को दो नोट रही तो कहेंगे तीन है। मैं ले लेता हूँ। ये लो दो, दो छोटे। अमीर बन गए हो? हाँ। ये ले, को ले लो दो। ये कितने हैं? तीन करूँगा। मुँह ही चेंज हो गया ना एक दिन में। अरे चलो दवाई पी लो। है ना, मुँह कैसा हो गया देखो। बोला अभी मैं दवाई पी के सही हो जाऊंगा। पैसे गाइस, आपको पैसे नहीं मिले तो मैं भाई दादी मेरे हाथ दर्द होता है, तब इस बार उंगली की दवाई क्यों नहीं लाते हो? यहाँ पर दर्द होता है। कहाँ दिखाओ? इस वाली उंगली में दर्द होता है। देखो इधर दर्द होता है, इधर होता है। नहीं देखो, यहाँ पे इसकी वजह से अच्छा है ना। हाँ, तब यहाँ पे नीला यहीं पे दर्द होता है। नीला नहीं, लाल होता है। हाँ, तब यहाँ पे ये लाल है। अरे अब मुझे भी देखने दोगे? ये अब तो ठीक हो गया ना? ये तो तुम्हारी उंगल कटी थी ना, कैसे काटे थी? और ये नाखून कैसे कटते हैं इतने अंदर तक? दांत, नाक, दांत से, दांत से बहुत काटता है ये आप नाखून दांत से काटते हो? नहीं ऐसा नहीं करना, ये नाखून सारे खराब हो गए। देखो मुंह में नहीं डालना इसको, ठीक है? नहीं तो ऐसे दर्द करेगी उंगली। तभी तभी मुंह भी दर्द होता है, दांत भी दर्द होता है। ये लाल देखो, इसके भी काटे हुए हो ना? अरे इसके कभी नहीं काटा, यहाँ पे तो कोई दर्द नहीं हो रहा, जब काटता हूँ तब दर्द होता है। हाँ, नाखून नहीं काटना है, ठीक है? ये पैर में भी पहुंच जाते हैं, मुंह में चला जाता है ये काटने के लिए। इतना गंदा गंदा गुड़वा में पहुंच जाता है, नाना में पहुंच जा रहा है, वह पहुंच जाता है। और ऐसे बैठ के काट लेगा। तू भी अपना पहुंचा के दिखा। पहुंचा लूंगी, नहीं पहुंचेगा। देखो ये मुझे कह रहे हैं कि पैर जो अंगूठा होता है मुंह में ले जाओ, दिखाओ। आप करके दिखाओ तो। ये देखो इनको ऐसे ऐसे करना है ना। ये वाला करके दिखाओ। मेरा भी हो जाएगा। ये देखो गाइस, हो गया ना। अब मुंह में डाल लूं क्या? मुंह में डाल के दिखा। मैं बड़ा हो रहा है तो
आप जब निकालना फोटो तब आपसे करवाऊंगी। अच्छा, तो पैर छोड़िए वाला चुमकी दिखा दो, चल ऐसे और तक ले जाके दिखा। तो ये टेढ़ा कैसे हो जाएगा बताओ? मैं तो ऐसे इसको ऐसे जोड़ के दिखा दे, ऐसे बिना कुछ किए। हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा हो, वो हो रहा है, उंगल फूल गई है, रुको फुला करती हूँ। यार हो तो जाता था, कैसे नहीं हो रहा है? यार हो तो जाता था, हो नहीं रहा अम्मा। ये देखो हो गया मामा, दिखा ना मामा, बड़ा टच हो गया। तो बाबू आप कैसे करो डैडी के जैसे, इस वाले हाथ को ऐसे करें दादी, ऐसे ऐसे रहेगा ऐसे। ये देखो हो गया दादी, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, इनका बन गया। आप लोग ऐसे करके देखना होता है कि नहीं, और कमेंट में बताना अगर हो गया जुड़ गया तो। मेरा तो नहीं हो रहा है, इनसे हो जा रहा है, दिखा दो और वो भी वाला मेरे से भी हो जा रहा है। हाँ ये देखो, इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, इनका तो और अच्छा हुआ है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फैमिली हो गई है फाइनली सुबह, मतलब कक्का हो गई है। तो मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ, पीछे देखने सारा रूम सेट कर दी हूँ, एंड अभी झाड़ू लगाने जा रही हूँ। झाड़ू लगा के अभी जस्ट रखी हूँ, एंड कितने दाने से हो गए ना मेरे फेस पे, कितना गंदा लग रहा है। देखा मैंने कहा था ना, ऐसे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ही कम, एकदम पता ही नहीं लगता कि पिंपल्स हैं। कल पता है रात को कितने बजे, रात क्या सुबह हो गई थी, 4 बजे जाके कल ये लड़का सोया, नींद नहीं आ रही थी इसको। एक्चुअली सोया तो था ये वैसे 3 बजे, लेकिन 6 बजे उठा था लेट काफ़ी टाइम, क्योंकि बुखार था, कोल्ड भी था, तो मन नहीं किया। और कभी भी ये दिन में सोता नहीं है, कभी भी ये दिन में सोता नहीं है, तो इस करके कोल्ड कोल्ड की वजह से कल सो गया था। तो शाम को लेट उठा, तो फिर 4 बजे रात को सोए थे। मुझे तो इतनी तेज नींद आई ना, बीच में भी जगाते रहे मम्मा ये मम्मा वो, कभी पानी पानी ज़्यादा मांगे, पानी प्यास लगती बहुत, और गर्मी इनको। सो फैमिली आधा काम हो चुका है, आधा रह गया है, मतलब अब मैं नहाने जा रही थी, नहाने जा रही थी। थ्रेडिंग कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ना, बनवाना था यहाँ का, मेरे को समझ ही नहीं आता है मैं कहाँ करवाऊँ, कहाँ जाऊँ करवाने। अभी बस अब नहाना है, झाड़ू पोछा हो गया, अभी जस्ट लगा के सब हटी हूँ, दिखाती हूँ आप, ये देख सकते हैं। सो गाइस अभी मैं आई हुई थी छत पे, थोड़ा देर हुआ है, सोची थोड़ा सा ना, इन्होंने ना लाई गिरा दी थी सारी, लाई नीचे खा रहे थे, मतलब वो पूजा का ही प्रसाद था तो सारा गिरा दिया था। तो मैंने कहा चलो ऊपर रखा थे, चढ़िया हो गया खाली, तो कहीं रखने की जगह नहीं मिली, तो मैंने गमले में डाल दिया है, क्योंकि इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे मैंने रख दिया है, इधर कड़ी पत्ता लगाई थी तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। एंड देखो मैंने धनिया लगाया था, ये भी निकलना शुरू हो गया है, इसमें है थोड़ा, मतलब थोड़े थोड़े हार में है, ये देखो इसमें भी थोड़ा है, इसमें भी निकल रहे हैं काफ़ी साइड से, इसमें भी 2-4 हैं, ये तो सूख गया, ये जो सूख गया ये पूरा वो था क्या, पोई पोई था तो लगाए थे तो सूख गया। इनको देखो क्या क्या कर रहे हैं, छली उली वहाँ से उठा के लाए हैं, सारा छिले हुए हैं। हाँ रखो, बड़ा ताकत है। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया था, मैं नहा बहा ली थी, कपड़े उपड़े अभी धोने हैं मेरे को, मैंने कहा थोड़ा सा नहा के फ्री हो जाए, ऐसे इनको भी देखते रहेंगे और फिर धुलता भी रहेगा आराम से, तो इसीलिए थोड़ा आगे छत पे। एंड ये जो प्रसाद है ये पूजा का है, जो दुर्दुरिया करवाते हैं उस चीज का। फिर क्या हो गया बाबू, सारी लकड़ियां उड़ जाएंगी, तो मत निकालो आज ना, कल खेलना, कल हवा नहीं चलेगी तो ठीक, तो हमारे भी करवाएंगे, हाँ हमारे भी करवाएंगे दोस्त, मम्मी कह रही थी करवाने के लिए, ये बीमार थे ना तो मन्नत मांग, मम्मी ने मान लिया था कि करवाएंगे, तो फिर होगा तो दिखाएंगे। चलते हैं नीचे, अब चलते हैं, मैं कपड़े कपड़े धो लूँ, इनको खाना वाना खाना है तो खिला देती हूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद इधर ये धनिया सुखाया जा रहा है। अच्छी मम्मी ने आंवला लाया है, तो बोल रही थी उसका अचार बनाने के लिए, मम्मी वहाँ मेरे मायके से बन के आया था अचार, मेरे मायके से बन के आया था, तो वह ख़त्म होने वाला है, इतना सा रह गया है, अब मम्मी कह रही थी बनाने के लिए, देखो बनाएंगी।
बनाएंगे इसके सुखा उखा रही है थोड़ा सा पीस पीस लेंगे। ये लड़का इतने कपड़े गंदे करता है ना, ये देखो इधर है मन्नत का छत, झाड़ू लगा रही है। आज मेरे कपड़े नहीं दिख रहे, देखो काम कर रही है लड़की, आज साफ सफाई आज साफ सफाई मन्नत कर रही है ना। हे गाइस, सो हम आ गए नीचे और अभी मैं जा रही हूँ कुछ खिलाने, उसके बाद मैं उठाऊंगे कपड़े। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय।